हेलो व्यूअर्स, मैं हूं राकेश। स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज मैं आप लोग को बताने वाला हूं कि आरए कॉन्ट्रैक्टर बिल कैसे बनाया जाता है। ओके, आपके साइट पर कॉन्ट्रैक्टर काम करते होंगे। ओके, बहुत सारे कॉन्ट्रैक्टर होंगे, जैसा कि आपका स्ट्रक्चर वर्क का कॉन्ट्रैक्टर होगा, ब्रिक वर्क का कॉन्ट्रैक्टर होगा, इंटरनल एक्सटर्नल प्लास्टिंग का कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, उसके बाद पेंट का, जो पेंट करता है दीवार पे, वो कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है, या फिर आपका जो है वाटर प्रूफिंग का कॉन्ट्रैक्टर हो सकता है। ओके, जो जितने भी डिफरेंट टाइप्स के वर्क होते हैं कंस्ट्रक्शन साइट पे, वो सारा कॉन्ट्रैक्टर का बिल बनाना पड़ता है हम लोग को। ओके, तो वही आज हम लोग को बताने वाला हूं कि आप किसी भी कॉन्ट्रैक्टर का बिल कैसे बना सकते हैं। ओके, तो अभी जो है मैं आपको ब्रिक वर्क का बिल बनाऊंगा। अभी जो सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर, ये मैंने ड्राइंग जो है ब्लॉक वर्क का मैं निकाल करके रखा हूं। थोड़ा मैं जूम करके मैं आप लोग को दिखा देता हूं। ये जो हमारा ड्राइंग है वो फर्स्ट फ्लोर ब्लॉक मार्किंग का ड्राइंग है। ओके, इसमें से मैं क्या करूंगा, कोई भी एक फ्लैट जो है सिलेक्ट करूंगा। ओके, फिर उसका मैं एरिया निकालूंगा, और एरिया निकालने के बाद जो है मैं बिल बनाने वाला हूं। ओके, क्योंकि अभी जो हम कॉन्ट्रैक्टर का जो रेट हम दे रहे हैं वो स्लैब रेट के हिसाब से दे रहे हैं। ओके, तो हम जितना भी ये स्लैब का एरिया होगा वो हम निकालेंगे। ओके, ये जितना भी स्लैब का एरिया होगा हम इसको निकालेंगे पहले। ओके, उसके बाद जो है हम बिल बनाएंगे। तो मैंने जो है इस एरिया को सिलेक्ट किया है, यानी इस बेडरूम को मैं सिलेक्ट कर लिया हूं। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, इसका एरिया निकाल लूंगा। ओके, एरिया निकालने से पहले मैं जाऊंगा मेजर पे, उसके बाद मेजर पे जाने के बाद जाऊंगा एरिया में। ओके, उसके बाद इस टाइप का जो इंटरफेस खुल के आ जाएगा। ओके, उसके बाद मैं क्या करूंगा, हमारा जो ओरिजिन पॉइंट होगा उसको मैं जूम कर लूंगा। ओके, जूम करने के बाद उस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट होगा उसके ऊपर मैं जाऊंगा। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, ये जो हमारा पिन का पॉइंट है, तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, उसके ऊपर वाला जो पिन पॉइंट है उसको भी सिलेक्ट करूंगा, ये भी पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा, और ये भी पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। ओके, उसका दूसरा है हमारा ये पिन का पॉइंट, तो इसको भी मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, तो इसको मैं सिलेक्ट कर ले रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद हमारा ये पॉइंट जो है इसको सिलेक्ट करूंगा। ओके, उसके बाद आगे आप देख रहे हैं कि बालकनी आ रहा है। ओके, तो बालकनी को भी आप लोग को कंसीडर करना है। ओके, क्योंकि ये नीचे का जो देख रहे हैं ये पूरा स्लैब होगा। ओके, ये दोनों साइड जो है ये बीम है, ये वाला बीम है, ये और ये दोनों बीम है, और बीच का पोर्शन जो है स्लैब होगा। ओके, तो ये हमारा बालकनी है, तो बालकनी को हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको भी ऐड करेंगे, यानी इसका भी एरिया जो है हम लोग निकालेंगे। ओके, तो इस पॉइंट को सिलेक्ट कर ले रहा हूं, और सिलेक्ट करने के बाद फिर इस पॉइंट को मैं सिलेक्ट करूंगा, फिर मैं इस पॉइंट को सिलेक्ट करूंगा। ओके, उसके बाद लास्ट का जो हमारा ये कॉर्नर का कॉलम है इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद लास्ट का जो हमारा पॉइंट होगा उसको मैं सिलेक्ट करके कवर कर दूंगा। ओके, तो आप इसे यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो एरिया है, जिस एरिया का हमने, जो फ्लैट का हमने एरिया निकाला है, वो जो है पूरा हैचिंग हो गया है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं पूरा हैचिंग हो गया है। ओके, और नीचे में जो है यहाँ पर एरिया हमें शो कर रहा है। ओके, यहाँ पर देख रहे हैं एरिया हमारा शो कर रहा है, इस फ्लैट का एरिया शो कर रहा है। ओके, तो ये जो एरिया देख रहे हैं, ये एरिया जो है अभी स्क्वायर मिलीमीटर में है। ओके, किस में है, स्क्वायर मिलीमीटर में। तो हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट कर लेंगे, स्क्वायर मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ओके, तो मैं इस, चलिए इस पॉइंट को मैं नोट कर ले रहा हूँ। तो हमारा पॉइंट जो है, थोड़ा मैं कर्जर को साइड कर दे रहा हूं। ओके, हमारा पॉइंट है 11224872572.62। ओके, ये जो एरिया है, ये एरिया हमारा स्क्वायर मिलीमीटर में है। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं अब कैलकुलेटर पर, और उस वहां से जो है मैं इसको कन्वर्ट कर लूंगा स्क्वायर मीटर में। ओके, तो यहाँ पर मैं कैलकुलेटर को मैं ओपन कर लिया हूँ, और हमारा जो वैल्यू आया था स्क्वायर मिलीमीटर में उसको मैं यहाँ पर टाइप करूँगा। ओके, 11 था 22 4 8 7 2 5 7 2 5.62। ओके, उसका हम इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से। ओके, डिवाइड करने में इक्वल टू प्रेस करूंगा। ओके, तो इतना वैल्यू आएगा। ओके, उसके बाद इस वैल्यू को मैं क्या करूंगा, जो हमारा ये वैल्यू आया इसको क्या करूंगा, फिर मैं इसको 1000 से डिवाइड करूंगा। ओके, फिर डिवाइडेड बाय 1000। ओके, उसके बाद इक्वल टू प्रेस करूंगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं,
कि ये जो हमारा स्क्वायर मीटर में जो हमारा एरिया निकल गया है, यानी कितना आ गया हमारा स्क्वायर मीटर में, 112.24 स्क्वायर मीटर एरिया आया। ओके, अब हम इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10.76 से स्क्वायर फीट में कन्वर्ट करने के लिए। ओके, तो मल्टीप्लाई करूंगा इसको, मल्टीप्लाई कर दूंगा 10.76 इक्वल टू प्रेस करूंगा। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा एरिया जो है ये स्क्वायर फीट में निकल करके आ गया, ये एरिया जो है स्क्वायर फीट में आ गया। ओके, और ऊपर वाला जो एरिया देख रहे हैं ये स्क्वायर मीटर में निकला था। ओके, तो यहां पर जो इस पॉइंट को मैं नोट कर ले रहा हूं, 1207.79 स्क्वायर फीट एरिया आया। ओके, मैं इस पॉइंट को नोटबुक में नोट कर लिया हूं। ओके, अब इस एरिया के हिसाब से जो है मैं बिल बनाने वाला हूं। ओके, तो चलिए मैं चलता हूं एक्सेल शीट पे, और एक्सेल शीट पे जाने के बाद जो है मैं आपका यहां पर, तो गाइज मैं आ गया हूं एक्सेल शीट पे। ओके, तो यहां पर सबसे पहले मैं क्या करूंगा, डालूंगा सीरियल नंबर। ओके, सीरियल नंबर प्रेस करूंगा, सीरियल नंबर यहां पर मैंने टाइप कर दिया, सॉरी यहां पर नहीं डालना है इसको, इसको चेंज करूंगा, इसको मैं चेंज करने वाला हूं, तो यहां से मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूं। यहां पे डालूंगा सीरियल नंबर यहां पे मैं टाइप किया। उसके बाद ये जो पॉइंट आएगा दूसरा वाला, ये हमारा रहेगा डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क। ओके, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क मैं थोड़ा टाइप कर रहा हूं, तो इसमें जो है टाइम जो है वीडियो का लेंथ जो है ज्यादा बड़ा हो सकता है। ओके, उसके बाद डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क के बाद मैं यहां पर डालूंगा यूनिट, मैंने यहां पर यूनिट प्रेस कर दिया। उसके बाद आगे वाले का जो कॉलम है उसमें मैं डालूंगा एरिया। ओके, उसके बाद यहां पर मैं डालूंगा रेट, और उसके बाद यहां पर मैं प्रेस करूंगा अमाउंट। ओके, अमाउंट हो। ओके, उसके बाद मैं इसको सबको सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद जो है इसमें मैं सेल ऐड करूंगा। सिलेक्ट कर लिया, सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं सेल ऐड कर दे रहा हूं, और उसके बाद सबको जो है मैं सेंटर में कर ले रहा हूं, और इसको मैं बोल्ड कर दे रहा हूं। ओके, उसका नीचे मैं प्रेस करूंगा सीरियल नंबर में 1, डिस्क्रिप्शन में डालूंगा कंप्लीशन ऑफ ब्रिक वर्क। ओके, उसके बाद यहां पर हमारा यूनिट है, यूनिट हमने लास्ट में किस में निकाला था, जो हमारा एरिया निकाला था लास्ट में स्क्वायर फुट में, तो यहां पर मैं डालूंगा स्क्वायर फुट। उसके बाद एरिया टोटल कितना था हमारा, 1207.79 स्क्वायर फीट। रेट जो है एक्चुअली हमारा जो है वर्क ऑर्डर में रहता है। ओके, तो इसमें ग्राउंड फ्लोर का है, फर्स्ट फ्लोर का है, तो इसका जो रेट है 110 है। ओके, सॉरी मैं गलत बोल दिया, अभी मैं ब्रिक वर्क का बिल बना रहा हूं, तो इसका रेट जो है 33 रुपीज पर SFT है। ओके, 33 रुपीज। ओके, अब यहां पर मैं क्या करूंगा, इसका टोटल अमाउंट निकाल लूंगा, तो यहां पर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, उसके बाद जो हमारा एरिया है उसको सिलेक्ट करूंगा, और उसके बाद फिर मैं मल्टीप्लाई करूंगा रेट से। ओके, उसका इंटर प्रेस कर दूंगा, तो यहां पर देख रहे हैं कि इसका रेट जो है वो निकल करके आ गया है। ओके, तो इसका रेट कितना आया है, 39,857.07 रुपीज। ओके, इतना अमाउंट जो है वो निकल करके आ गया। उसके बाद मैं इसको भी सिलेक्ट कर लूंगा, और सिलेक्ट करने के बाद इसमें मैं सेल ऐड करूंगा, और सेल ऐड करने के बाद इसको मैं सेंटर में कर लेता हूं। ओके, उसके बाद मैं यहां पर क्या करूंगा, यहां पे
क्योंकि हम लोग को TDS डिडक्शन करना पड़ता है और स्टैंडर्ड SD डिडक्शन करना पड़ता है। ओके, तो टैक्स TDS का मतलब होता है टैक्स डिडक्शन और SD का मतलब होता है स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, जो रिफंडेबल अमाउंट होता है। तो यहां पर जो है मैं डालूंगा TDS। ओके, और उसके बाद यहां पे मैं डालूंगा SD मींस स्टैंडर्ड डिडक्शन। ओके, उसके बाद मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, इसको है मैं सिलेक्ट कर लेता हूं। सिलेक्ट करने के बाद मैं सेल में जाऊंगा और सेल में जाने के बाद यहां पर मर्ज सेल कर दूंगा। ओके, और यहां पर टाइप करूंगा डिडक्शन। ओके, उसका इसको भी जो मैं क्या करूंगा सेंटर में ले लेता हूं। ओके, हम TDS जो डिडक्शन कर रहे हैं वो 1% कर रहे हैं। ओके, तो मैं यहां पर क्या करूंगा 1% जो है यहां पर टाइप कर लेता हूं, सॉरी यहां पर मैं 1% जो है वो टाइप कर ले रहा हूं। और हमारा SD डिडक्शन जो है वो 5% है, मतलब स्टैंडर्ड डिडक्शन जो है वो 5% है। ओके, तो यहां पर मैं प्रेस करूंगा 5%। ओके, उसके बाद जो TDS है हमारा वो हम निकाल लेते हैं 1% टोटल अमाउंट में से। ओके, तो यहां पर मैं फार्मूला ऐड करूंगा और फार्मूला लगाने के बाद मैं यहां पर इसको सिलेक्ट करूंगा टोटल अमाउंट को। उसके बाद मैं यहां पर डिवाइड कर दूंगा 100 से और मल्टीप्लाई करूंगा 1 से। ओके, तो यहां पर देख रहे हैं 398.57 रुपीज जो है निकल करके आ गया। ओके, 1% में। तो उसी प्रकार मैं यहां पर क्या करूंगा 5% जो SD डिडक्शन है उसको मैं निकाल लेता हूं। ओके, तो मैं यहां पर फार्मूला प्रेस करूंगा, फार्मूला इंटर करूंगा, इक्वल टू प्रेस करूंगा, टोटल अमाउंट जो है उसको सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद मैं डिवाइड करूंगा 100 से। ओके, फिर इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 5 से और इंटर प्रेस करूंगा। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि इसका जो SD डिडक्शन है 5% वो भी निकल करके आ गया। ओके, तो कितना आया है 1992.85 रुपीज। ओके, ये डिडक्शन हमारा निकल के आ गया। ओके, उसके बाद हम लास्ट में एक और हम लेंगे यहां पर, इसमें डालेंगे टोटल। ओके, यहां तक मैं ले लेता हूं, इसको मैं थोड़ा पीछे ले लेता हूं, सॉरी, इसको जो है मैं यहां तक सेलेक्ट करके फिर मैं जाता हूं अपने सेल में और सेल में जाने के बाद मर्ज सेल कर देता हूं और यहां पे टाइप करूंगा टोटल। ओके, टोटल पेएबल वैल्यू डालूंगा। ओके, टोटल पेएबल वैल्यू। ओके, क्लियर। उसके बाद यहां पर जो है मैं दोनों को ऐड कर देता हूं, 6% मैं यहां पर डाल देता हूं, मतलब टोटल डिडक्शन हम कितना कर रहे हैं 6% कर रहे हैं। ओके, उसके बाद जो है हमारा एक्चुअल अमाउंट कितना, मतलब कितना हमें कॉन्ट्रैक्टर को देना है ये सब TDS डिडक्शन करके, TDS जो है हमारा SD डिडक्शन है ये सब करने के बाद कितना अमाउंट आ रहा है उतना ही अमाउंट हमें कॉन्ट्रैक्टर को अभी देना है करंट में। ओके, तो मैं यहां पे फार्मूला ऐड करूंगा, फार्मूला ऐड करने के बाद जो हमारा एक्चुअल अमाउंट है उसको मैं सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद माइनस प्रेस करूंगा। ओके, माइनस प्रेस करने के बाद जो हमारा TDS था 1% का वैल्यू वो मैं सिलेक्ट करूंगा। ओके, उसके बाद फिर माइनस सिलेक्ट करूंगा, उसके बाद जो हमारा SD डिडक्शन का जो वैल्यू आया था उसको मैं सिलेक्ट करूंगा और इंटर प्रेस कर दूंगा। ओके, तो आप यहां पर देख रहे हैं कि हमारा जो एक्चुअल अमाउंट था वो 39,857.07 रुपीज था। ओके, और डिडक्शन के बाद कितना आ रहा है 37,465.64 रुपीज। ओके, मतलब ये अमाउंट जो है इतना ही अमाउंट जो हमें कॉन्ट्रैक्टर को देना है। ओके, तो यहां पर भी मैं क्या करूंगा, यहां पर पहले मैं सेल ऐड कर दे रहा हूं और सेल ऐड करने के बाद जो हमारा TDS है इसमें भी मैं सेल ऐड करूंगा, दोनों सेलेक्ट करके सेल। ओके, सेल पे मैं क्लिक करके यहां पे मैंने ऐड कर दिया। ओके, उसके बाद इस दोनों को मैं सिलेक्ट करके थोड़ा सेंटर में ले लेता हूं, सेंटर में लेने से क्या होगा थोड़ा ये अच्छा दिखेगा। ओके, इसको भी मैं सेंटर में ले लेता हूं, सेंटर में लेंगे तो थोड़ा इसका लुक जो है अच्छा आएगा। ओके, क्लियर। उसके बाद यहां पर जो हमारा टोटल पेएबल वैल्यू था इसमें भी मैं सेल ऐड करूंगा, सेल ऐड करने के बाद मैं यहां पर भी जो हमारा टोटल TDS डिडक्शन का वैल्यू आया था वो भी मैं यहाँ पर उसमें सेल ऐड करूंगा और उसका कितना अमाउंट हमें देना था एक्चुअल अमाउंट उसमें भी हम सेल ऐड कर देंगे। ओके,
तो यहां पर जो है हमने डाल दिया है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, इस लाइन को सिलेक्ट करूंगा, ओके, और उसके बाद सेल में जाऊंगा। सेल में जाने के बाद मर्ज सेल कर दूंगा, ओके। मर्ज सेल करने के बाद अब वहां पर मैं टाइप करने वाला हूं कॉन्ट्रैक्टर, ओके, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर, नेम ऑफ कॉन्ट्रैक्टर टाइप कर दिया। तो मान लीजिए हमारा राज हमारा हमारे कॉन्ट्रैक्टर का नाम विकास है, तो मैं यहाँ पर विकास टाइप कर देता हूँ, ओके। आपके कॉन्ट्रैक्टर का नाम जो होगा वो डाल सकते हैं, विकास कुमार है तो मैं डाल दिया विकास कुमार, ओके। उसके बाद आप यहाँ पर डाल सकते हैं प्रोजेक्ट, ओके, क्योंकि ये कौन सा प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है उस प्रोजेक्ट का जो नाम है वो डालना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, ओके। तो उसको मैं सिलेक्ट किया, सिलेक्ट करने के बाद फिर मैं सेल में जाऊंगा, सेल में जाने के बाद मर्ज सेल में जाऊंगा, ओके। और उसके बाद यहां पर मैं टाइप करने वाला हूं प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट हमारा ये मान लीजिए पीवीआर क्षेत्र है, तो मैं पीवीआर क्षेत्र में डालूंगा, पीवीआर क्षेत्र में यहां पर प्रेस कर दिया, ओके। उसके बाद यहां पर जो है हमारी कंपनी का नाम डालेंगे, ओके। उससे पहले हम इसको सिलेक्ट करेंगे इस रो को, और सिलेक्ट करने के बाद मैं फिर से सेल में जाऊंगा, और सेल में जाने के बाद मर्ज सेल कर दूंगा, ओके। उसके बाद यहां पर प्रेस करूंगा पीवीआर, ओके, पीवीआर डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड हमारी कंपनी का नाम है, तो यहां पर डालूंगा पीवीआर डेवलपर्स, पीवीआर डेवलपर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ओके। उसके बाद इसको मैं बोल्ड करूंगा, और बोल्ड करने के बाद इसको सेंटर में ले लूंगा, ओके। और सेंटर में लेने के बाद मैं क्या करूंगा, इसका जो है हाईलाइट थोड़ा बॉर्डर में डाल देता हूं, ओके। उसके बाद इसमें भी जो है सेल में ऐड कर दे रहा हूं, इसमें भी जो है सेल ऐड कर दे रहा हूं, ओके। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये बिल जो है रेडी हो चुका है, ओके। अब नीचे में हमें यहां पर क्या डालना है, बिलिंग इंजीनियर, क्योंकि जो बिल प्रिपरेशन कर रहे हैं उसका साइन होगा यहां पर, ओके। तो यहां पर टाइप करना है बिलिंग इंजीनियर, बिलिंग इंजीनियर का साइन रहेगा यहां पर, और बीच में जो हमारा प्रोजेक्ट मैनेजर का साइन रहेगा, तो यहां पर मैं इसको सिलेक्ट कर ले रहा हूं। सिलेक्ट करने के बाद फिर से मैं सेल में जाऊंगा, और सेल में जाने के बाद यहां पर मर्ज सेल करूंगा, और यहां पर टाइप कर दूंगा प्रोजेक्ट मैनेजर, प्रोजेक्ट मैनेजर, ओके। उसके बाद फिर यहां पर जनरल मैनेजर का साइन रहेगा, तो यहां पर मैं इस सेल को सिलेक्ट करता हूं, फिर से जाऊंगा सेल में, और सेल में जाने के बाद करूंगा मर्ज सेल, मर्ज मर्ज सेल, ओके। और यहां पर टाइप कर दूंगा जनरल मैनेजर, जनरल मैनेजर, ओके, क्लियर। उसके बाद यहां पर मैं इसको सेंटर में रख ले रहा हूं, और इसको भी मैं सेंटर में रख दे रहा हूं, ओके, क्लियर। इसको भी मैं ऐड कर ले रहा हूं, ऐड करने के बाद इसको मैं सेल पे जाऊंगा, सेल में जाने का मर्ज सेल करूंगा, ओके, और उसके बाद इसको सेंटर में ऐड कर दूंगा, ओके। ये सब पूरा कमिट होने के बाद क्या करेंगे, ये पूरा को सिलेक्ट करना है, जितना हमने एरिया को बिल बनाया है उस सबको सिलेक्ट कर लेना है, ओके। सिलेक्ट करने के बाद हम क्या करेंगे, सिलेक्ट हो गया, सिलेक्ट करने के बाद हम आउटर बॉर्डर डाल देंगे, ओके। तो यहां पर देख रहे हैं कि ये बिल तैयार हो गया है। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका प्रिंट ले लेंगे, ओके। प्रिंट लेने के बाद बिलिंग इंजीनियर का साइन यहां पर करेंगे बिलिंग इंजीनियर के पास, उसके बाद प्रोजेक्ट मैनेजर का साइन होगा यहां पर, और उसके बाद जनरल मैनेजर का साइन हो जाएगा, मतलब यहां पर अप्रूव्ड हो जाएगा जनरल मैनेजर से, ओके। और ये साइट पे ये बिल कंप्लीट होने के बाद आप इस बिल को हेड ऑफिस भेज सकते हैं, ओके। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।